वो हिंदू मुसलमान करते रहे हम फिर भी सम्मान करते नहीं, नहीं, फिर एक, 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 एक एनटीए को अरब महासागर या बंगाल की खाड़ी में फेंकिए। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि पॉलिटिकल साइंस में अंडर ग्रेड में एडमिशन लेने के लिए बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा। सीयूईटी का मतलब हो गया कोचिंग के पितामह, कोचिंग का जन्म। आप देख लीजिए मशरूम की तरह आ गए। आप चेरी पिकिंग मत करिए। आज के दिन में टेक्नोलॉजी जो है उसमें अगर पटना में कोई लीकेज होगा ना पेपर का, उसको हवाई जहाज का टिकट लेकर के गुजरात नहीं पहुंचना, वो सेकंड में पहुंचेगा सर। इसलिए पूरी परीक्षा एक लेवल पे कॉम्प्रोमाइज थी। प्रस्ताव अब्दुल्ला साहब का है और ये बेगानी शादी भी नहीं है, तो उनकी दीवानगी मुद्दे के लिए है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं है। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, एके रंजन कमेटी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी, तो उस कमेटी के बारे में बाद में बोलूँगा। उसमें एक तस्वीर उस कमीशन ने रखी थी, वो तस्वीर बड़ी प्यारी है। वो तस्वीर एक अफसाना देती है जिसमें एक हाथी, एक चिड़िया और एक बंदर, और तीनों को कहा जा रहा है कि कंपटीशन पेड़ पे चढ़ने का। एक हाथी, एक चिड़िया और एक बंदर, और ये मेरा नहीं है, कमीशन का है। कमीशन ने इस तस्वीर का, मैं उस संदर्भ में एक बात कहूंगा। पहले तो अव्वल एजुकेशन स्टेट लिस्ट होता था, 42nd अमेंडमेंट में कंकरेंट हुआ। 42nd अमेंडमेंट के बाद काफी कुछ चीजें हुई, लेकिन ये स्टेट के हाथ से लगभग निकल गए। और एक ऑब्सेशन भी है हमारे देश में बीते कुछ वर्षों में, एक 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 एक, अरे देश ही अनेक है, अनेकता में एकता। यहां भोजन की विविधता है, वस्त्र की विविधता है, क्षेत्रों की विविधता है, धर्म की विविधता है, इन विविधताओं और भाषा की विविधता है। इन विविधताओं के मध्य हमारे अप्रोच में विविधता का सम्मान होना चाहिए था, जिसका नीट जैसी संकल्पना, एनटीए जैसी संस्था उस संकल्पना को, मैं समझता हूं उसके साथ उचित न्याय नहीं करती है। माननीय उपसभापति महोदय, मैंने सदन में पहले भी कहा, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, हमारे यहां अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ दिक्कतें थी सर। काफी मार्क्स सीबीएसई का, अलग अलग बोर्ड्स का। अब क्या हुआ ना, हम एक अद्भुत मुल्क हैं, वी थ्रो द बेबी विद द वॉट वाटर। अब हुआ यूं कि हमने उसके बदले सीयूईटी की व्यवस्था की। अब मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि पॉलिटिकल साइंस में अंडर ग्रेड में एडमिशन लेने के लिए बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा। सीयूईटी का मतलब हो गया कोचिंग के पितामह, कोचिंग का जन्म। अब देख लीजिए मशरूम की तरह आ गए, तो ये चीजें हमें सोचनी होगी। हाल ही में इसी सदन ने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर विस्तृत चर्चा की है। मैं देख रहा हूं कि नीट को भी अगर हम देखें, जो मैंने कहा डाइवर्सिटी का सवाल, दूसरा सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है सर, अगर आप फी स्ट्रक्चर देखें, फी स्ट्रक्चर 3 ही मिनट था क्या सर? 5 मिनट था आपके? हाँ सर, बस खत्म कर दूंगा, ये वक्त का भी बड़ा विचित्र मामला है। 3 मिनट था आपका? जी जी सर, थोड़ा तो यूं ही बैठ जाऊंगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो फी स्ट्रक्चर आप नीट का देखते हैं, और आप बाकी जगह का तो हुआ नहीं है सर। आज तो मैं एक पीड़ित पक्ष भी हूं सर, मेरा भी रेजोल्यूशन नंबर 2 पे था, जातिगत जनगणना पे, उसे हवा खा गई। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिहार का जातिगत सर्वेक्षण का अगर आप आंकड़ा देखें, जहां तकरीबन 35% लोगों की आमदनी 6,000 या उससे कम, अब उसमें बताइए कि सर ये फी स्ट्रक्चर कहां फिट बैठता है। दूसरा है सर, जिस पर अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते, ये सीबीएसई को टिल्टेड पूरी की पूरी एग्जाम पद्धति है। स्टेट बोर्ड्स
कि जो अपनी प्राथमिकताएं हैं उसका सम्मान इस तरह की परीक्षाएं नहीं किया करती हैं। और मैं आखिरी में कहूंगा कि हम सबको ये सोचना होगा कि ये विषय आज ही, एक मंत्री जी थे चले गए, उन्होंने एक बात कही सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर, हालांकि उन मंत्री जी से मैं शिकायत करता नहीं हूँ क्योंकि जो उनका पोर्टफोलियो है उस पर वो कम बोलते हैं, बाकी विषयों पर ज़्यादा बोलते हैं। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल उनका फेवरेट टॉपिक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सर खत्म करो हाँ इससे एक प्रॉब्लम सर, बस एक चीज, अरे बड़ा सम्मान करता हूँ आपको पता नहीं है, बस वो हिंदू मुसलमान करते रहे हम फिर भी सम्मान करते हैं। नहीं फिर भी सर आखिरी मत करो, आखिरी आप अपनी बात बोलिए। आखिरी टिप्पणी करने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि इन विषयों पर आज जब सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा था, सनद रहे, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बातें कही हैं, आप चेरी पिकिंग मत करिए, इतने बड़े पैमाने पे परीक्षा दोबारा ना हो। लेकिन ये भी कहा है पटना हजारीबाग के बारे में, गोधरा के बारे में भी चर्चा हुई है। मेरा सिर्फ ये कहना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सम्मान सहित इतना जरूर कहूंगा, आज के दिन में टेक्नोलॉजी जो है उसमें अगर पटना में कोई लीकेज होगा ना पेपर का, तो उसको हवाई जहाज का टिकट लेकर के गुजरात नहीं पहुंच रहा है, वो सेकंड में पहुंचेगा सर। इसलिए पूरी परीक्षा एक लेवल पे कॉम्प्रोमाइज थी। और मेरा मानना है कि एनटीए, मैंने मंत्री जी से व्यक्तिगत आग्रह भी किया, एनटीए को अरब महासागर या बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, चॉइस इज योर्स। थैंक यू सर, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।